भारत का सबसे बड़ा जालसाज नटवर लाल, बिहार का सिवान जिला और इस जिले से 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाला गांव जीरादेई, जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, लेकिन इसके बाद इस गांव का नाम नटवर लाल की वजह से सुर्खियों में आया। वैसे ही बाहुबली नेता शहाबुद्दीन भी आते हैं, फिलहाल जेल में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक बड़े ठग नटवर लाल की। उसके दिमाग का डिजाइन ऊपर वाले ने न जाने किस तरीके से बनाया था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसके बावजूद ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि उसके बारे में जो भी सुनता है हैरान रह जाता है। और हमारे आज के इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना, आज हम लेकर आए हैं नटवर लाल की पूरी कहानी। नटवर लाल के पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था, वो रेलवे में एम्प्लॉय थे और जीरादेई में ही रहते थे। यहीं पर नटवर लाल का जन्म हुआ, स्कूल की शिक्षा भी यहीं हुई। नटवर लाल के गांव जीरादेई में आज भी लोग उसका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। उसे या तो मिस्टर नटवर लाल कहकर बुलाते हैं या फिर मिथिलेश बाबू, क्योंकि उसका असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। जीरादेई एक छोटे से रेलवे स्टेशन भी है और इसी रेलवे स्टेशन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और वो फाइनली राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जबकि नटवर लाल ने दिल्ली की जो ट्रेन पकड़ी तो देश के अलग अलग 9 जेलों में पहुंच गए। नटवर लाल के बारे में उसके गांव वाले कहते हैं कि जब वो आखिरी बार अपने गांव आया तो 3 गाड़ियों के काफिले में आया। उसके आने पर सारे गांव के लिए खाना बनवाया गया और जाते जाते उसने हर एक गांव वाले को 100-100 रुपए दिए। उसके गांव में हर व्यक्ति लगभग यही कहता है कि नटवर लाल ने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया। यही वजह है कि सारे गांव में उसे मिस्टर नटवर लाल या फिर मिथिलेश बाबू कहकर बुलाया जाता। नटवर लाल के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। साल 1996 में वो कानपुर की जेल में बंद था और चलने फिरने से लाचार था। उस वक्त उसकी उम्र 84 साल की थी, व्हीलचेयर पर चलता था या फिर कोई उसे गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया करता था। बीते 15-20 दिनों में उसकी तबीयत खराब चल रही थी, वो चलने फिरने से भी लाचार था और केवल व्हीलचेयर पर ही चलता था। इस ड्यूरेशन में शायद ही किसी ने उसे अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हुए देखा होगा। उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज कराना था। अदालत से परमिशन मिल जाने के बाद नटवर लाल को कानपुर से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया गया। उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। 3 पुलिस वाले उसके साथ थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे व्हीलचेयर से उतार कर वहां मौजूद पैसेंजर सीट पर बैठा दिया गया, जहां बैठते ही वो लेट गया। पहला पुलिस वाला एम्बुलेंस और दूसरी चीजों का इंतजाम करने चला गया, दूसरा पुलिस वाला किसी और काम से चला गया। तब नटवर लाल ने तीसरे पुलिस वाले से कहा कि मुझे चाय पीनी है। वो चाय का इंतजाम करने के लिए चला गया, लेकिन जब लौट कर आया तो वह हैरान हो गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे पुलिस वाले भी लौट आए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 84 साल का नटवर लाल एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। उसके बाद से लेकर अब तक किसी ने भी नटवर लाल को नहीं देखा। देश भर के 8 राज्यों में नटवर लाल के ऊपर ठगी के 400 मामले दर्ज थे और 400 मामलों में नटवर लाल के 52 नाम सामने आए। मतलब इतने अलग अलग नामों से उसने लोगों के साथ ठगी की। लेकिन इसके ठगी के काम की शुरुआत उसी समय से हो गई जब वो स्कूल में पढ़ा करता था। ये मैट्रिक में एक बार फेल हुआ तो पिताजी ने डांट लगाई। एक बार इनके एक पड़ोसी ने इन्हें बैंक में जमा करने के लिए एक बैंक ड्राफ्ट दिया। उन्होंने पड़ोसी के सिग्नेचर को कुछ इस तरह कॉपी किया कि बाद में 2-3 बार में पड़ोसी के खाते से 1000 रुपए निकाल लिए। ये तो थी इसकी ठगी की शुरुआत। लेकिन एक दिन उनके पड़ोसी को पता चल गया और उन्होंने इनके पिताजी से शिकायत की। पिताजी ने नटवर लाल की पिटाई कर दी तो वो गुस्से से घर छोड़कर कलकत्ता भाग गए। कलकत्ता जाकर उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी की। वो सेठ के बेटे को ट्यूशन दिया करता था, साथ ही वकालत की पढ़ाई भी किया करता था। नटवर लाल ने अपने सेठ से फीस भरने के लिए पैसे मांगे तो सेठ ने मना कर दिया। इसके बाद उसने सेठ को कॉटन के बिजनेस का लालच दिया, उसे लगभग 4.5 लाख का चूना लगाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। ऊपर वाले ने नटवर लाल को जो नेचुरल टैलेंट दिया था उसको उसने अपनी ठगी के काम में कन्वर्ट करके अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था, जो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता था, किसी के भी सिग्नेचर आसानी से कॉपी कर लेता था, अपने नाम के साथ साथ अपना भेष बदलने में माहिर था। इसने ज्यादातर ठगी नकली सिग्नेचर के जरिए की। इसके अलावा चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे। वाह वाह, पढ़ने का शौकीन नहीं बल्कि अखबार का कीड़ा था और इसलिए हर इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करके रखता था। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जो उसने ठगी की उसका एक नमूना उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी के नाम से सीमा से, दरअसल उसने अपने आप को नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी बताया
और कनॉट प्लेस की एक घड़ी की दुकान में पहुंचकर उसने कहा कि कल कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग है जिसमें नारायण दत्त तिवारी की तरफ से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 90 घड़ियां भेजनी है, तो महंगी घड़ियां दिखाइए। दुकानदार ने महंगी घड़ियां दिखाई। उसने कहा कि हमें डिलीवरी नारायण दत्त तिवारी के दफ्तर के पास नॉर्थ ब्लॉक में चाहिए। अगले दिन नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर के पास नेताओं के वेश में नटवर लाल पहुंच गए। उन्होंने घड़ी की डिलीवरी ली और एक ड्राफ्ट दे दिया। उसके बाद नटवर लाल डिलीवरी देने आए शख्स को नॉर्थ ब्लॉक में घुसते हुए दिखाई दिया। दुकानदार की गाड़ी वहां से चली गई। इसके बाद वो चुपचाप वहां से निकला और घड़ियां लेकर रफो चक्कर हो गया। दुकानदार को दो दिन बाद पता चला जो ड्राफ्ट नटवर लाल ने दिया था वो फर्जी था, उसमें कोई पैसा था ही नहीं। एक बार जब नटवर लाल जेल में था तो उसकी पत्नी उसे लगातार खत लिखा करती थी, मगर वो अपने पत्नी को जवाब ही नहीं देता था। जब 7-8 खत पत्नी के आ गए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगला खत जेलर साहब खुद लेकर नटवर लाल के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारी पत्नी इतने खत लिखती है, तुम एक कभी जवाब नहीं देते हो, ऐसा क्यों? तो उसने सोचा पत्नी को भी एक जवाब दे ही देना चाहिए। पिछले खत में पत्नी ने पैसों की कमी और खेतीबाड़ी की समस्या के बारे में लिखा था, खेत सूख रहे हैं, कोई जोतने वाला नहीं है। नटवर लाल अच्छे से जानता था कि जेल में किसी भी कैदी को कोई खत आए या कैदी जेल से कोई खत लिखे तो उसे जेल प्रशासन पढ़कर वेरीफाई करता है। उसके बाद ही वो जेल से बाहर जाता था और फिर बाहर से कैदी तक आता था। तब नटवर लाल ने अपनी पत्नी को जवाब लिखा कि खेत में इस जगह पर काफी मात्रा में सोने के गहने जमीन में दबे हुए हैं, तुम उन्हें निकाल लेना और उन्हें बेचकर अपना खेती बाड़ी का काम कर लेना। इस खत को जब जेल प्रशासन ने पढ़ा तो नटवर लाल की पत्नी तक ये खत बाद में पहुंचा, पहले पुलिस पहुंच गई और वो नटवर लाल के खेतों में गड़े हुए जेवरों की खोज करने लगी। पूरा खेत जोत कर रख दिया गया मगर कुछ नहीं मिला। इसके लगभग 15 दिन बाद जेल में एक और खत आया जिसमें लिखा हुआ था, जेलर साहब का शुक्रिया जिसकी वजह से हमारे खेत की जुताई हो गई और अब फसल भी अच्छी होगी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह एक बार इसे कानपुर की अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया। तब जज ने नटवर लाल से पूछा, मिथिलेश तुम इतने ठगी कैसे कर लेते हो? जवाब में उसने जज साहब से कहा कि जज साहब आपके पास 1 रुपए का सिक्का है क्या? तो जज साहब ने कहा हाँ है और एक सिक्का निकालकर अर्दली के जरिए नटवर लाल को दे दिया। नटवर लाल ने वो पैसा अपने जेब में रख लिया और जज साहब से कहा, बस इसी तरह लोग अपना पैसा मुझे दे दिया करते हैं। इसके बाद वो अदालत से बाहर आ गया लेकिन उसने जज साहब के पैसे वापस नहीं किए। अपने जीवन काल में उसने जितने भी कारनामे किए उनमें से एक बार संसद भवन को बेचना और राष्ट्रपति भवन को बेचना भी शामिल है, 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को बेच दिया। ये सारी कारस्तानी उसने बाकायदा लीगल दस्तावेज के जरिए की। इन प्रॉपर्टी के तमाम पेपर उसने फर्जी तौर पर तैयार करवा लिए। इसके अलावा टाटा अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी चूना लगाया। उसने अपनी ठगी के कुल करियर में 400 लोगों को शिकार बनाया। लगभग 125 करीब उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से केवल 19 मुकदमों का फैसला आया था जिनमें अलग अलग कोर्ट से उसे कुल 113 साल की सजा हो चुकी थी। इसमें से उसने केवल 20 साल की ही सजा जेल में बिताई। इस दौरान उसे केवल 9 बार ही गिरफ्तार किया गया और अलग अलग जेलों में रखा गया जिनमें यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की जेलें थी। कुल 9 गिरफ्तारी में वो केवल पहली बार पहले मामले में ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा बाकी 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर भाग चुका था। कभी अपाहिज बनकर भाग गया तो कभी पेशी के दौरान भाग गया। ये बार बार अलग अलग तरीकों से पुलिस की कस्टडी से भाग जाता था। एक बार इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उससे सवाल पूछा गया कि आप जेल से कैसे भाग जाते हैं, तो उसने बड़ा फनी सा जवाब दिया कि मैं भागता नहीं हूँ बल्कि पुलिस वाले खुद ही मेरे लिए दरवाजे खोल देते हैं, कभी जेल का दरवाजा खोलते हैं तो कभी गाड़ी का, और बोलते हैं कि जाओ तो मैं चला जाता हूँ। इसके बाद 2009 में नटवर लाल के वकील ने कहा, नटवर लाल की मौत हो चुकी है इसलिए उस पर चल रहे सभी केसों को बंद किया जाना चाहिए। अदालत ने इसके सबूत मांग लिए। बताया जाता है नटवर लाल के परिवार में उनकी एक बेटी है जिसके पति आर्मी में है जो कि गोरखपुर में रहती है। जीरादेई गांव में ही नटवर लाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव रहते हैं। उनका कहना था कि साल 1996 में ही दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागने के बाद ही नटवर लाल की मौत हो गई। रांची में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इन तमाम बातों की पुष्टि तो नहीं हो पाई लेकिन अगर खबरों की माने तो ये बात सच थी कि नटवर लाल की मृत्यु हो चुकी है। बाद में से मानते हुए अदालत ने उस पर चल रहे तमाम मामलों को खत्म कर दिया। कैसे लगी आपको नटवर लाल की कहानी हमें कमेंट में बताना। हमारे आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।